और बात कर लेते हैं खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, पेपर लीक नौकरी में जुगाड़ पर फंसे राजभर। पेपर लीक मामले को लेकर नौकरी में जुगाड़ पर फंसे ओम प्रकाश राजभर, लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम योगी ने तलब कर लगाई जांच, बेदी राम पर भी मांगी सफाई। आपको बता दें विधायक बेदी राम पर भी सफाई मांगी है सीएम योगी ने, और सीएम योगी ने राजभर को लखनऊ में तलब किया है बड़ी जानकारी। पेपर लीक नौकरी में जुगाड़ पर फंसे ओम प्रकाश राजभर, और सीएम योगी ने राजभर को लखनऊ में तलब किया है। राजभर ने बेदी राम पर लगे आरोपों पर सीएम योगी को दी सफाई, तो ये बड़ी जानकारी। बेदी राम को भी लेकर राजभर ने सीएम योगी को सफाई दी है, और बेदी राम पर भी सीएम योगी ने उनसे सफाई मांगी थी जिसको लेकर राजभर ने सफाई दी है। तो ये जानकारी, सीएम योगी ने लखनऊ में राजभर को तलब किया और पेपर लीक नौकरी में जुगाड़ पर फंसे ओम प्रकाश राजभर, लखनऊ से ये जानकारी। किसी विभाग में नौकरी चाहिए किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु का कहते क्या आता है, कॉल लेटर एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। सीएम योगी ने राजभर को लखनऊ में तलब किया है, तो ये अभी आप सुन रहे थे राजभर का पुराना बयान। और इसी के साथ जो राजभर ने बेदी राम पर लगे आरोपों को लेकर भी सीएम योगी से को सफाई दी है। सीएम योगी ने तलब कर डांट लगाई है राजभर को, यह जानकारी लखनऊ से। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक और नौकरी में जुगाड़ को लेकर जो है ओपी राजभर को तलब किया, और बताया जा रहा है कि उन्हें फटकार भी मुख्यमंत्री ने लगाई है, लखनऊ से यह जानकारी। राजभर ने बेदी राम पर लगे आरोपों पर भी सीएम योगी को सफाई दी है। अभी हमने आपको वो पुराना वीडियो भी राजभर का सुनाया जिसमें नौकरी में जुगाड़ की बात वो करते नजर आए, और अब इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है। और वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभर को तलब किया, उनसे जवाब सवाल किए, उनसे इसको लेकर तलब किया गया, और लखनऊ में राजभर ने सीएम योगी को इसको लेकर सफाई भी दी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, पेपर लीक नौकरी में फंसे जुगाड़ पर फंसे राजभर, और सीएम योगी ने तलब कर डांट लगाई है, बेदी राम पर भी मांगी सफाई, और राजभर को लखनऊ में मुख्यमंत्री ने तलब किया, और बेदी राम पर लगे आरोपों पर सीएम योगी को सफाई दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, जिस तरीके से नौकरी में जुगाड़ को लेकर जो पुराना वीडियो राजभर का वायरल हो रहा है, लगातार इसको लेकर जो है वार पलटवार का दौर भी जारी है, और अब जब सीएम योगी ने भी तलब किया है, क्या मुलाकात के दौरान क्या कुछ बात हुई है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से सुभाषपा विधायक बेदी राम का पेपर लीक से कनेक्शन सामने आया है, इसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है, सियासी तूफान आ गया है लगातार। अब ओपी राजभर कहीं ना कहीं गिरते दिख रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें वह बेदी राम के बारे में तारीफ करते दिख रहे हैं, और यह कह रहे हैं कि नौकरी चाहिए तो जुगाड़ लगा दिया जाएगा। बेदी राम के बारे में जो तारीफ हो रही है वीडियो में, वह कह रहे हैं कि इन्होंने लाखों लोगों की नौकरी लगवाई है, और जिस तरह से अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, और लगातार जो जिस तरह से
पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से असहज दिख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने बड़ा हमला भी बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट कर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। वही कांग्रेस ने भी वीडियो बेदीराम का वीडियो वायरल करने के बाद कहा है कि इन पर कार्रवाई हो, और पूरे प्रकरण को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। और कल ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को तलब किया है, और सूत्रों का यह दावा है कि इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। जिस तरह के बातें अगर हम करें राजभर की, तो जैसे वो बयान दे जाते हैं अपने बड़बोलेपन में, सत्ता खेमे के जो लोग हैं वो भी उन्हें भी कहीं ना कहीं लपेटे में ले लेते हैं, उन्हें भी फंसा देते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान पिछले दिनों आया, चुनाव के दौरान वह लगातार बड़बोले बयान जारी करते हैं, और अपने बेटे को जिताने के लिए जिस तरह से वह अपना कद बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उनका एक बयान अब भी वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद दिल्ली से पूछ कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की भद्द पिटाते रहते हैं। और जिस तरह से बड़बोला बयान बेदी राम को लेकर आया है, यह बेदी राम वही है कि जिन पर एमपी यूपी और राजस्थान में पेपर लीक के 9 मामले दर्ज हो चुके हैं, और एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, और वीडियो के बाद जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है विपक्षी दलों की, लगातार FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुभाषपा संकट में घिरती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का सहयोगी दल होने के चलते कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार पर भी उंगली उठना शुरू हो गई है, और सूत्रों का यह भी दावा कि इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटी पेपर लीक अध्यादेश को पास किया है कैबिनेट में, और साफ तौर पर है कि अब बुलडोजर के बाद जो पेपर लीक करने वाले माफिया है, नकल माफिया है, उनको उनसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, और साथ ही साथ अध्यादेश जी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है आसिफ की, पहले बुलडोजर की कार्रवाई और अब जो एंटी पेपर लीक पर सीएम योगी सक्रिय रहेंगे, एक्शन लेंगे। लेकिन हम बात करें जिस तरीके से राजभर या बेदी राम के जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं उनको लेकर पेपर लीक को जो खबरें पेपर लीक से जुड़ी हुई आ रही है, अब बेदी राम के लिए कितना मुश्किल होगा? ये निश्चित तौर पर जिस तरह से पेपर लीक का कनेक्शन बेदी राम से सामने आया है, सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है, राजनीतिक भूचाल आया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर की जो मीटिंग हुई है देर शाम, यह कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है, और इस मसले को जिस तरह से अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैंडल कर रहे हैं, इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओपी राजभर से सफाई भी मांगी, और तमाम जो वीडियोज सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इसको लेकर भी अब गहन जांच शुरू कर दी गई है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और यह कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में यूपी सरकार का बड़ा एक्शन सामने आ सकता है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है, राजनीतिक भूचाल आ गया है, अब आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जी बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो राजभर ने बेदी राम पर लगे आरोपों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सफाई दी है, और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली NCR में भारी बारिश, नोएडा में भी भारी बारिश, और ये जानकारी बारिश को लेकर मौसम ने करवट बदल ली है, और बारिश से गर्मी से जो है लोगों को राहत मिली है, और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नोएडा के कई इलाकों में जल जमाव से कई सेक्टरों में ट्रैफिक भी प्रभावित हुए, वही जल जमाव से कई जगह पेड़ भी टूटे हैं। तो दिल्ली NCR में भारी बारिश हो रही है, उसके चलते आवाजाही में भी लोगों को काफी मुश्किलें हो रही है। नोएडा में भी भारी बारिश, और बारिश को लेकर ये जानकारी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर पानी भर चुका है, और दिल्ली NCR के कई इलाकों में
बारिश जो है वो जारी है और हालांकि बात करें तो गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन बात करें पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है कुछ पिछले रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर जल भराव और आम जनजीवन जो है बारिश के चलते अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ये जानकारी बारिश को लेकर दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश के चलते सड़कों पर बुरा हाल हो चुका है और तेज हवा से कई जगह पेड़ों के भी टूटने की खबर सामने आ रही है। तो नोएडा के कई इलाकों में जल जमाव और जल जमाव से कई सेक्टरों में ट्रैफिक भी प्रभावित हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, दिल्ली NCR में भारी बारिश का दौर है, हम बात करें तो बताया जा रहा है पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से बारिश हुई है इसने पुराने पिछले जो सभी रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए हैं। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जो है नीचे काफी पानी में खड़ा हूँ और पिछले 24 घंटे में लगातार जो दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में जो बारिश हुई है तो लगातार बारिश से आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हुआ। अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे तो ट्रैफिक भी उसी तरह से प्रभावित हो रहा है, गाड़ियों की आवाजाही ट्रैफिक भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो कई जगह तेज हवाओं के कारण पेड़ भी टूटने की खबर मिली है और लगातार बारिश हो रही है। तो एक तरफ तो बारिश का पहलू एक ये देखा जा सकता है कि लगातार तेज बारिश होने से क्या आम लोगों को गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत की सांस आम लोगों ने ली है और काफी राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस भारी गर्मी और माफ करें भारी बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि नोएडा में और दिल्ली NCR में तमाम जगहों पर भारी जल जमाव हो गया है। दिल्ली के ICU के आसपास कई जगह, दिल्ली में कई जगहों पर अंडरपास में कई गाड़ियां फंस गई, इलेक्ट्रिक वाहनों को खासकर बात करें ई व्हीकल्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जल जमाव की स्थिति है उससे आम जीवन अस्त व्यस्त होता ही है। पिछले काफी समय से लोग बड़ी गर्मी से परेशान थे लेकिन अब पिछले 24 घंटे से जो बारिश हुई है दिल्ली NCR दरिया बन चुका है। जी आपको बता दें जो कि गर्मी से लोग काफी परेशान तो थे ही, मौसम काफी सख्त था, आम व्यक्तियों पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और पिछले दिनों हीट वेव भी चल रही थी, कई लोग हीट वेव का शिकार भी हुए थे, अस्पतालों में लू लगने से मौत का आंकड़ा और बीमारों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इस भारी गर्मी ने जहां लोगों को आराम पहुंचाया है तो वहां समस्या भी हुई है, जैसे वाटर क्लॉगिंग की समस्या है। लोगों का कहना है कि इस वक्त दिल्ली NCR बारिश के लिए तैयार नहीं था, हम प्रयास करेंगे दिल्ली की कुछ आम लोगों से बातचीत करें तो क्या तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लोगों से हम बातचीत करें कि बारिश को लेकर उनका क्या कहना है। तो इस वक्त हमारे साथ यही नोएडा में कुछ लोग मौजूद हैं। तो क्या नाम है आपका? रामवीर जी। तो बारिश हुई है, कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत बेकार लग रहा है। क्यों समस्या है? अभी 8 बजे से चले हैं तो बच्चियाँ निकलते निकलते पैदल पैदल। गर्मी से राहत नहीं मिली आपको? गर्मी से राहत क्या मिली, और भत्ता बढ़ गया, भत्ता बढ़ गया। और क्या क्या समस्या आपको झेलनी पड़ रही? बहुत सी समस्या झेलनी पड़ रही है और हम कई जगह गिर पड़े। अच्छा, कई लोग घायल भी हुए। और जो ही आपको बता दें कि कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो इस जल जमाव के बीच मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? इस वक्त बारिश हुई है दिल्ली NCR में, कैसा लग रहा है? अरे बहुत खराब हो रहा है, बहुत बुरी हाल हो रही है। लेकिन मौसम तो पहले से सुधरा है? हम तो सुधर गए, पर क्या सुधर गया, 7 बजे की ड्यूटी है, 10 बजे गए, यानी वाले को निकाल दे रहे काम पे जाने से आप लेट हो गए बहुत। तो जो ही आप देख सकते हैं कि जी बिल्कुल, मतलब साफ तौर पर जो लोग हैं उनका भी कहना है कि आफत की बारिश है, गर्मी से राहत मिली है लेकिन लोगों की दिनचर्या में जो है काफी इस पर प्रभाव पड़ा है। अगर हम बात करें आवाजाही की, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं आप जहां खड़े हैं वहां भी सड़कों पर जल भराव है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इस दौरान आने जाने में, क्योंकि रोजाना जो है लोगों का आना जाना होता है और ऐसे में बारिश ने आफत जो है लाकर खड़ी कर दी है। जी जो ये आपको बता दें कि जैसा हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की जो जल भराव के पास खड़े हैं, उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें काम पर जाने में परेशानी हुई, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं छोटे ऑटो रिक्शा होते हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें जो है सवारी नहीं मिल रही, इस कारण काम पर लेट हो रहे हैं। साथ ही अगर मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से
जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। ट्रैफिक की समस्या लगातार देखने को मिल रही है, ट्रैफिक जाम भी हो रहा है क्योंकि सड़क जो है वो लगातार जाम है। और देख सकते हैं कि कई लोग जो है बारिश का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन कई आम लोगों को जो है परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो ही की बारिश आई है 24 घंटे के भीतर जो भयंकर बारिश हुई है, तो उस बारिश के दो पहलू निकल कर आते हैं। पहला तो ये है कि आम लोगों को जहां पर गर्मी से आराम मिला है, हीट वेव से आराम मिला है और तमाम जो चलती लू और गर्म हवाओं से आराम मिला है, तो दूसरे पहलू की बात करें तो कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे काम पर जाने में देरी हो रही है, यातायात प्रभावित हो रहा है और साथ ही कई तरह की दिक्कतें हैं, ट्रैफिक जाम की भी समस्या देखने को मिल रही है। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कनाडा के कई इलाकों में जलभराव है और लोगों का जो आम लोग हैं उनका आवाजाही उनमें काफी परेशानी हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जल जमाव से कई ट्रैफिक भी जो है इस दौरान जाम हो गए हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली से खबर सामने आ रही है, AIMIM चीफ की आवाज पर फेंकी गई काली स्याही। असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास में फेंकी गई स्याही, दिल्ली पुलिस अज्ञात युवक की तलाश में जुटी। बड़ी जानकारी, AIMIM चीफ के आवास पर काली स्याही फेंकी गई है। वहीं दिल्ली पुलिस जो है अज्ञात युवक की तलाश में जुटी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास पर काली स्याही फेंकने का यह मामला, दिल्ली से बड़ी जानकारी बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर काली स्याही फेंकी गई है और फिलहाल पुलिस जो है आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है अज्ञात युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है और ऐसे में पुलिस ने जो है युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो जानकारी दिल्ली से, ओवैसी के सरकारी आवास पर काली स्याही फेंकने का मामला। दिल्ली पुलिस अज्ञात युवक की तलाश में जुटी हुई है। AIMIM चीफ के आवास पर काली स्याही फेंकने का यह मामला सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। अजित, असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर काली स्याही फेंकने का मामला सामने आया है, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए जो बिल्कुल उनके ऊपर उनके आवास पर स्याही फेंकने का मामला आया हुआ है। दरअसल पूरा मामला जो खुला हुआ है उस वक्त ये मामला गरमाया था जब असदुद्दीन ओवैसी संसद में अपने सांसद सदस्यता की जो शपथ है वो ले रहे थे। उस दौरान शपथ ग्रहण करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने जय पाकिस्तान का जो नारा दिया उससे लोग काफी जो है आहत थे और कहीं ना कहीं जो माना जा रहा है कि उसी से आहत में से कोई एक दो शख्स या कुछ कोई लोग हो सकते हैं जिन्होंने स्याही फेंकी हुई। हालांकि वो मामला काफी पुल पकड़ता जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। जी जी, बात करें किसने किया है, क्या उस युवक की पहचान हो पाई है, क्या पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई? देखिए जी बता चाहूंगा, अभी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये किसने किया है अभी तक पहचान जो है वो नहीं हो पाई और अभी तक किसी हाँ। भी शख्स ने इसको लेकर के कोई अपनी जिम्मेदारी भी तय नहीं की है। लेकिन जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और निश्चित तौर पर पुलिस जल्द से जल्द इसमें जो भी शामिल होगा उनकी जो गिरफ्तारी है वो जरूर करेगी और देखना होगा। जी अजित, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।